दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वह सिर्फ कश्मीर में है। इस कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं, इनसे जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं। कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस से एलिनेशन है, यानी कि जनता का जो एक अलगाव है तमाम चुनावी पार्टियों पर, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि सिर्फ वोट के लिए पार्टियां यहां आती हैं लेकिन करती कुछ नहीं। और खास तौर से मोदी सरकार को लेकर जो नफरत है, जो चिंता है, वह बहुत गौर तलब है। उन्हें लगता है कि पिछले 5 सालों में जितना नुकसान मोदी सरकार ने कश्मीर का किया, उतना किसी भी और सरकार ने नहीं किया है। शायद मोदी जिस तरह से प्रचार प्रसार यहाँ कर रहे हैं, धारा 370 और 35A को लेकर जिस तरह से नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, और पिछले दिनों कश्मीरी युवाओं को जिस तरह से टारगेट किया गया देश भर में, उसने बहुत बड़ी खाई दिलों में पैदा की है। हालांकि अभी भी हमें ऐसे बुजुर्ग मिले, ऐसे मध्य एज के लोग मिले जिन्होंने कहा कि वो वोट डालेंगे और वोट डाल के कम विरोध में करेंगे, लेकिन जो युवा है उसके अंदर बहुत गुस्सा है। उसे लग रहा है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस लगातार उन्हें छल रहा है। कुछ नहीं सर, यहाँ पे कुछ नहीं है, टूरिस्ट बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए सर। और टूरिज्म के अलावा कोई चारा नहीं है? नहीं, कोई चारा नहीं हमारे पास। हम पिछले दो साल हो गया सर यहाँ पे बैठा। हम खाली आते हैं, उक्का दुक्का आते हैं, 50 कभी 60 आता है, कभी 100 आते हैं, कभी कभी, और कुछ नहीं यहाँ पे। इससे कश्मीर को बहुत नुकसान है। बहुत नुकसान है, पूरा डाउन हो गया है जब से मोदी हुकूमत आ गई यहाँ पे। कश्मीर को क्या पिछले 5 साल में नुकसान हुआ, आपको क्या लगता है? बहुत, मैं क्या बताऊंगा, ये बहुत हालत खराब है इधर, हर चीज में हालत खराब है। जाती है मिलिट्री भी, वो फोर्स भी जाती करती है। आपने सुना, आपने देखा, इधर हालत ख़राब है। वाजपेयी ने सब का अपना अपना कानून बनाया, वो कहाँ से कानून, देखो रास्ता भी 2 दिन बंद है, घर में बैठा वो किसी को चलने का इजाज़त नहीं है। हाईवे बंद है, 2 दिन बंद है, क्यों क्यों? कश्मीर जन्नत वो जहन्नम बन गया। मोदी ने बहुत जुल्म किया, मोदी ने बहुत जुल्म किया इधर, कितना जुल्म। हमारा कश्मीर है, हम कश्मीर अपना घर है, अपना ज़मीन जायदाद है, हम इधर किराएदार हैं। ये फौज आ गई इधर रखवाली करने, ये कहाँ रखवाली करता, देखो ये कितना मारता, इस जुल्म को हद है। अगर हम देखें, यूथ पूरा बिखर चुका है यहाँ पर। आपके आपको पता ही होगा हालात कैसे रहते हैं यहाँ पर। कश्मीर, कश्मीर को एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखा है, या वे विक्टम, इसको पूरे हिंदुस्तान में विक्टमाइजेशन करके रखी है। कश्मीर को बहुत ही नुकसान हुआ, जो बीजेपी और कोलिशन गवर्नमेंट आई पीडीपी के साथ, उसमें बहुत नुकसान हुआ। खासकर जो बहुत ही बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा वो यहाँ के नौजवानों पर पड़ा। द रेट ऑफ मिलिटेंसी हैड इंक्रीज्ड, एंड जो हमारा पैलेट विक्टम्स हुए, पैलेट को लॉन्च किया गया, हमारे 32,000 ऐसे कुछ जो जिन लोगों की आंखों की बिनाई ख़त्म हो गई इस गवर्नमेंट में, बहुत ही 32,000 रिलेटेड जो पैलेट विक्टम्स थे उनके, जिसमें 3200 ए थे जो जिनकी आई ब्लाइंड हो गई थी। जी। तो देखेंगे उन उस दौरान जो 5 साल की सरकार रही, उसमें बहुत ही पूरा कश्मीर की इकोनॉमी डाउन हो गई, फुल्ली GST लगाया गया, पता नहीं क्या क्या, पूरा फ़ायदा कुछ भी नहीं मिला कश्मीर को। मोदी सरकार को मैं ऐसे ही देखता हूँ, वो सारे खोखले दावे करते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो ऐसा कुछ करेंगे, किया कुछ नहीं है उनने, अब तक कुछ नहीं किया है उनकी तरफ से, हमें सिर्फ मौत मिली है कश्मीरियों को। भी कोई बात होती है, कश्मीर को आगे फ्रंट हेड करके रखा जाता है, हम जंग करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। पिछली बार ऐसी जंग की सूरत हाल बना के रखी थी, कश्मीर का जीना हराम करके रखा था जो पुलवामा अटैक के बाद हुआ था। क्या हुआ उस समय? उस समय ऐसी सूरत हाल बना के रखी कि कश्मीरी रात भर सो नहीं पा रहे थे, मशाले की जा रही थी, जहाज ऐसे वैसे वहाँ से घुमा रहे, अभी जंग वो करेंगे, ये करेंगे, पूरा जो माइंड सेट करके रखा था कश्मीरियों का माइंड, वो
पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके रखा था उन लोगों ने उस टाइम। इंडियन मीडिया को लेके बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि जो ये फेस दिखा रहे हैं कश्मीर का, बहुत ही बुरा दिखा रहे हैं। जो यहाँ के हालात है, जो ग्राउंड हालात है, वो तो ठीक ही है, लेकिन ये दिखा रहे हैं वहाँ पर गोलियाँ बरस रही है, बम बरस रहे हैं। मैं भी रहा हूँ बाहर, तो मुझे बाहर जो मेरे दोस्त बने कुछ बने, वो पूछ रहे थे मेरा, अरे भाई वहाँ पर क्या ग्रेनेड है तेरे पास, वो है तेरे पास, बंदूक है तेरे पास। अबे हम भी आपके जैसे बंदे हैं, हमारे पास ऐसे ये सब क्यों होंगे। ये फेस है इंडिया मीडिया का, इसीलिए यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया भी बैन किया गया है, क्योंकि वो सच दिखा रहा था। प्रेस टीवी बैन है, BBC बैन है, अल जजीरा बैन है, जो यहाँ पर आया जी आराम से यहाँ ये आज़ादी। हाँ क्या जी डिस्पोट, क्या जी लकट लकट जवान लकट लकट बच्चे अंदर कड़ान साउथस कश्मीर ये सरस कश्मीर जम्मू कश्मीर मन खास कर कश्मीर कश्मीर वैली मन ये क्या ग लूट मार असम दरी अस खास कर यम सत ये BJP हुकूमत आई PDP BJP तम सत कूत यह गो अस बचन लकटन मतलब मौजूद जनानन वुक मीडिया त्रोमुत मोदी जी त्रोमुत मीडिया इस मीडिया तमामन वन हिंदुस्तान मन खास कर अपज वन तथ कन ये कर गया ये कर गया तो मगर हासिल यह सिर्फ अपज वन। कश्मीर से ही जुड़ा हुआ है गंदरबल। गंदरबल से कुछ दूर पर यहाँ पर एक समाज है, वातल समाज, वहाँ का मोहल्ला है। चिनर कांगन में हम पहुँचे, जहाँ पर पूरे के पूरे 150 से अधिक परिवार रहते हैं। इन परिवारों की जो स्थिति है, इनको जो मोदी से वादे मिले थे, उन वादों का क्या हुआ? बस मुद्दा ये तो हम यहाँ मतलब ये मेन हॉल का काम मिलता है हमको, वो हम कम करता है, वो हमारा बाप भी करता है, हम भी करता है, हमारे बच्चे भी करता है ये काम। हम गरीब आदमी, इसके बगैर और हमारे पास कोई काम नहीं है। हम मोदी जी को इतला कर रहा है कि हमारा रोजगार का चारा कीजिए, और गवर्नमेंट से हम अपील कर रहा है कि हम इस बदबू काम से हमको बचाइए। देखो हमको, हमको पास छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको बहुत आदमी मर चुका है। आप कौन से कम्युनिटी से हैं? वातल समाज से? हाँ वातल समाज से है हम। यहाँ सारे जितने लोग हैं सब वो भी सब सब है इसी समाज से? तो वातल समाज साफ सफाई का काम करते? हाँ वही काम करते, और कुछ भी नहीं। इसके पास खेत भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और कोई गुजारा भी नहीं होता है। अभी तो MP का है, दिल्ली हाँ, के लिए चुनाव हाँ है, तो मगर फायदा क्या है? अगर घर घर में जाएंगे, जैसे बाहर लोगों में जाते हैं घर घर, बोलते हैं क्या क्या तुमको तंगी है, तुम बोलो, हम हमारा वोट हमको दे दो, वोट हमारे को डालना। यहाँ नहीं वो आते हैं, ऐसे यहाँ पर नहीं चलता है, यहाँ डालते हैं। हम किसी के पास दरख्वास्त लेकर जाते हैं, इस काम के लिए हमको पैसा दे दो, हमको बाथरूम है लेटरिन के, इसके लिए भी पैसा नहीं दिया। मेरा घर वाला ड्यूटी था, मैं बोलेगा साहब हम चोरी नहीं रख सकते हैं, अभी रिटायर हो गया, उसको दावे के लिए पैसा नहीं होते हैं, अब क्या बताएंगे आपको? वो कितना का 10 बच्चे के क्या खिलाएगा? वो ना बाथरूम है, हम पैसा निकला हुआ घर का जमीन बनाए, 2 बार हम दरखास्त दिया इनको, कुछ ना आया नहीं, तो हम क्या करेंगे? गरीब है, उन तक कुछ भी नहीं पहुँचा, 1 रुपया भी नहीं पहुँचा। जो अमीर लोग होते हैं उनको पहुंचा, जिनको फायदा होना चाहिए उनका फायदा नहीं था। अकाउंट उसने खोला, बोला मोदी साहब अकाउंट खोलो, हमने खोला, मगर उसमें कुछ भी नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं आया। जो भी मोदी साहब ने वादे किए थे वो सब झूठे निकले। सिलेंडर उन्होंने दिया है, वो आधे लोगों को पूछा, आधे लोगों को नहीं पूछा, जो भी जिनको भी पूछा, मेरे को भी पूछा है, मुझे पूछा सिलेंडर, लेकिन मैंने 1500 रुपये सिलेंडर का, जो सिलेंडर देता है दुकानदार, उसने हमारे से 1500 रुपये लिया है पहले कागज बनाने का, उसके बाद बोला सब्सिडी 6-7 मटी तक नहीं आएंगे, 7 सिलेंडर को सब्सिडी नहीं आएंगे। बोला हमने क्यों? बोला वो कट जाता है, वो 2500 रुपये का पड़ा है हमें वो सिलेंडर, जो मोदी साहब ने दिया था गरीब लोगों को फ्री में। देखिए हम चाहते हैं, मैं अगर पर्सनली आप मुझसे पूछें तो मैं मेरा अपना ये मानना है कि इंडिया को अगले एटलीस्ट 10 ईयर्स तक जो है एक स्टेबल एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 5 सालों में जो लोगों से 2014 के आसपास जो वादे किए गए थे लोगों से, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उन वादों को लेके जो है ये सरकार
कुछ खास नहीं कर पाई। तो ये कि अभी कश्मीर के जो हालात है पिछले 4-5 साल में काफ़ी ख़राब हुए, काफ़ी पैलेट्स चले, तो उससे कितना फ़र्क पड़ा कश्मीर पर? बहुत बहुत, यहाँ बहुत लोग भी हालात से पीछे ही हुआ, आगे नहीं हुआ। यहाँ रोज़ हड़ताल, रोज़ कर्फ्यू, पत्थरबाजी, परेशानी हो जाता, गरीब आवाम को परेशानी होता है। एगा कि जो आपकी एज में सबसे बड़ा डर क्या लगता है आपको? ये पत्थरबाजी का डर लगता है, हमें कोई ले जा ना सके, कोई कुछ ना कर सके, इसीलिए डर लगता है। क्या उनका, आपका क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ा? उनका प्रॉब्लम है वो स्कूल जाना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो घूमना चाहते हैं, ऐसा वैसा करना चाहते हैं, उनको वहाँ से घर वाले छोड़ते नहीं हैं। तो ये 5 साल हैं, वो तो मुझे नहीं लगता है कुछ किया है। बेटर तो बात की बात है, लेकिन जो हो रहा था फिर भी थोड़ा स्मूथ चल रहा था, उससे भी बदतर हालात हो गए कश्मीर के। जो पढ़े लिखे यूथ हैं वो मिलिटेंसी की तरफ जा रहे हैं, ये तो आया है, हर एक को पता है। जो हमारे मतलब डॉक्टरेट हासिल कर चुके हैं लड़के, वो जा रहे हैं गान उठाने के लिए। ये तो कंसर्निंग पॉइंट है, क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों एजुकेटेड हमारा जो फ्यूचर है वो क्यों डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। पूछने की बात है कि ये एक फ्लैश पॉइंट बन गया है कश्मीर, जब भी कुछ हो जाता है तो कश्मीर में कुछ ना कुछ एपिसोड हो जाता है, क्यों हो जाता है ये पता नहीं है। पुलवामा के बाद कश्मीर में क्या हाल है? पुलवामा के बाद जैसे अभी आपने भी सुना होगा, लोग भी सुनते हैं, न्यूज़ में भी आते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो खुद सामने बोल रहे हैं, नेशनल पार्टीज जो हैं वो बोल रही हैं कि ये मतलब वेल प्लान्ड गेम है फॉर इलेक्शंस के लिए किया है। इससे कश्मीर को नुकसान है? इससे सिर्फ कश्मीर को ही नुकसान नहीं है, इससे तो सारे मुल्क को नुकसान है, हर एक इंसानियत को नुकसान है। कश्मीरी आवाम इस बात से नाराज है और ये बात जान भी चुकी है कि मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में इस जन्नत को जहन्नुम में तब्दील किया है। यहाँ पर जिस तरह से बेकसूरों का खून बहा है, जिस तरह से बच्चों के ऊपर पैलेट गन इस्तेमाल हुई और उनकी जिंदगियाँ तबाह हुई हैं, जिस तरह से लोग डिसअपियर हुए हैं, जिस तरह से रोज़गार ख़त्म हुआ है, टूरिज़्म ख़त्म हुआ है, इसका बदला कश्मीर चुनाव में लेगा, किस तरह से लेगा, कैसे लेगा, लोकतंत्र को जिंदा रखने की जो कोशिशें हैं, जिस तरह से मेन स्ट्रीम से कश्मीर को जोड़ने की जो कोशिशें हैं, उन्हें तेज़ करने की ज़रूरत इस समय कश्मीर में पहले की तुलना में सबसे ज़्यादा महसूस की जा रही है। कश्मीर जन्नत है और जन्नत बना रहना चाहता है।